हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। देखिए, हम लोग आज घड़ी देखना सीखेंगे इंग्लिश में। अगर कोई हिंदी में बोल रहा है 5:15 बाकी है, 2:15 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, 10:05 हो रहा है, अगर इस प्रकार के वाक्य हमको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे, जो हमें एनी टाइम और डेली इन सेंटेंसों का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो देखिए, सबसे इजी है इंग्लिश में घड़ी देखना। घड़ी देखना एक मतलब यह है, कोई पूछ रहा है उसे इंग्लिश में बोलना सबसे इजी है, बहुत आसान है। अगर इंग्लिश में कोई पूछता है 1:15 हो रहा है तो इंग्लिश में क्या बताएंगे, बहुत ही आसान रूल आप लोग के लिए लेकर आया हूं, और आप लोग इस रूल का फॉलो कीजिएगा। ज्यादा नहीं है, 5 है। अगर आप इसे याद कर जाते हैं तो कभी भी आपको इंग्लिश में घड़ी देखना, टाइम बताना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हरचन सर प्रोमिस करते हैं। देखिए, ज्यादा समय आप लोग का न लेते हुए अभी चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला रूल दिया है, बजे के लिए क्लॉक का प्रयोग करते हैं, बजे के लिए यूज का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग थोड़ा रट जाइए। बजे, बजे शब्द अगर आता है तो हम लोग क्लॉक का यूज करेंगे। अगर बजे शब्द आता है, जैसे आ गया कि 2 बज रहा है, इट्स टू ओ क्लॉक। जैसे इट्स टू ओ क्लॉक मतलब है इट्स टू ओ क्लॉक है क्या? इट इज टू ओ क्लॉक को हम लोग बोलते हैं इट्स टू ओ क्लॉक। 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इट्स 3 ओ क्लॉक, 4 बज रहे हैं, इट्स 4 ओ क्लॉक, 5 बज रहे हैं, इट्स 5 ओ क्लॉक, 6 बज रहे हैं, इट्स 6 ओ क्लॉक, 7 बज रहे हैं, इट्स 7 ओ क्लॉक, 8 बज रहे हैं, इट्स 8 ओ क्लॉक, 9 बज रहे हैं, इट्स 9 ओ क्लॉक, 10 बज रहे हैं, इट्स 9 ओ क्लॉक, 10 बज रहे हैं, इट्स 10 ओ क्लॉक, 11 बज रहे हैं, इट्स 11 ओ क्लॉक, 12 बज रहे हैं, इट्स 12 ओ क्लॉक। अगर आपको बजे शब्द आ गया तो बस ओ क्लॉक ही बोलना है। इस बात को आप लोग रट जाइए। जैसे इस घड़ी में दिया है 2 बज रहा है, इट्स टू ओ क्लॉक, बस इट्स और ओ क्लॉक रट जाइए। उसके बाद 1 से लेकर के आप लोग 24 आवर्स तक या 12 तक इसमें यूज करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिया इधर 2 नंबर में, 30 शब्द के लिए हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। 2:30 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, वेरी इस प्रकार का सेंटेंस जो भी हो तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो देखिए, बजकर शब्द आता है, जैसे मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, इसको इधर आएगा तो हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे, बजकर के लिए है, बजकर। और इधर जो आता है ना, उसको 2 बाकी है, यानी कम है। दाएं साइड घड़ी के सामने खड़े हो जाइएगा, दाएं साइड बजकर के लिए पास्ट, बाएं साइड बाकी के लिए या कम के लिए 2। इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, दिया है 30, यहां मैंने 30 शब्द के लिए हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि दे दिया है यहां पे 3:30 बज रहा है, इट्स हाफ पास्ट थ्री, 4:30 बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट 4, 5 बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट 5, सॉरी बच्चे
साढ़े पांच हो रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट फाइव, साढ़े छह हो रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट सिक्स, साढ़े सात हो रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट सेवन, साढ़े आठ बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट एट, साढ़े नौ बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट नाइन, साढ़े दस बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट टेन, साढ़े ग्यारह बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट इलेवन, साढ़े बारह बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट ट्वेल्व। इसको रट जाइए, इसको रट जाइए। फिर अगला रूल दिया है, दो नंबर तक हो गया, एक नंबर दो नंबर हो गया हाफ पास्ट। इसे कहने का मतलब, ये मेरा मतलब है कि अगर दे दिया तीन बजकर तीस मिनट होते, तीन बजकर दे दिया ना, और तीस मिनट इसको देखिए हाफ किया ना, जैसे बाबू आपको यहां पे बारह है छह से आधा है ना, आधा है तो हाफ, उसी के लिए हम लोग हाफ का प्रयोग करते हैं, हाफ आधा है, और उसके बजकर मैंने बोला है, बजकर रहेगा तो पास्ट का प्रयोग करना है, हाफ पास्ट, यानी कि तीन बजकर तीस मिनट हो रहा है, तीस मिनट को हम लोग हाफ बोलते हैं, साठ मिनट को एक मिनट बोलता है ना, साठ मिनट को एक घंटा बोलते हैं, उसी का आधा है हाफ तीस, यानी कि तीन बजकर तीस मिनट हो रहा है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट थ्री, इट इज हाफ पास्ट थ्री, या साढ़े तीन बज रहे हैं, इट इज हाफ पास्ट थ्री। देखिए अगला रूल दिया है, पौने शब्द के लिए क्वार्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, पौने पौने, जैसे मान लीजिए कि अब सुने होंगे रूम है, एक रूम में हम लोग रह रहे हैं, तो एक रूम को क्वार्टर कुछ लोग बोलते हैं क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब ये होता है एक रूम है, बहुत बड़ा रूम है, और उसका चौथाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा, जैसे मान लीजिए बना दे रहा हूं, मान लीजिए इतना बड़ा रूम है, उसमें इतना छोटा छोटा बना दिया गया ना, एक हिस्सा को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, छोटा है वो, उसे क्वार्टर बोलते हैं। तो उसी तरह से इसका चार पार्ट कर दीजिए, चार पार्ट कर दीजिए, यहां से ऐसे ये हो गया, यहां से ऐसे, ठीक ना, एक ये क्वार्टर, एक ये क्वार्टर, एक ये क्वार्टर, एक ये क्वार्टर, यानी कि पंद्रह मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, पंद्रह मिनट को क्वार्टर, रट जाइए, पंद्रह मिनट को क्वार्टर बोलते हैं। ये सब आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्वार्टर, पंद्रह मिनट को क्वार्टर बोलते हैं। देखिए बोला है पौने शब्द के लिए क्वार्टर टू शब्द यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, जैसे दे दिया आपको, यहां पे दे दिया है पौने पांच बज रहे हैं, पौने पांच बज रहे हैं, इट्स क्वार्टर टू, इट्स क्वार्टर टू फाइव, यानी कि आप समझिए मैंने टू बोला है बाकी के लिए, यानी कि पांच बजने में पंद्रह मिनट बाकी है, पांच बजने में पंद्रह मिनट बाकी है, तो बाकी के लिए पांच बजने में पंद्रह मिनट बाकी है, तो इट्स पहले मिनट को पहले लिखते हैं, इट्स पंद्रह मिनट, क्वार्टर बाकी है टू, पांच बजने में फाइव। देखिए मैंने पहले बोला है बाकी के लिए, भैया इधर जो रहेगा बाकी टू, इधर जो रहेगा पास्ट, इधर दिया है टू, यानी कि पांच बजने में पंद्रह मिनट बाकी है, तो इट्स पंद्रह मिनट का मैंने अंग्रेजी बताया क्वार्टर होता है क्वार्टर, इट्स क्वार्टर बाकी है टू फाइव, ओक्लाक भी बोल सकते हैं, फाइव सही है, दोनों सही है, इट्स क्वार्टर टू फाइव या इट्स क्वार्टर टू फाइव ओक्लाक, फिर ठीक वैसे ही दिया है आपका। अगला सवा शब्द के लिए क्वार्टर, मैंने बोला ना पंद्रह मिनट का इंग्लिश होता है क्वार्टर, पंद्रह मिनट का इंग्लिश होता है क्वार्टर, सवा शब्द के लिए क्वार्टर पास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट मैंने बजकर, जैसे कि ये दिया है सवा 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 सवा, नहीं लिखा गया है क्या, चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तीन बजकर यार, हाँ सही है, छह बजकर पंद्रह मिनट, छह बजकर पंद्रह मिनट, ये घड़ी है, छह बजकर पंद्रह मिनट, छोटा वाला सुई जो होता है ना उसको हम लोग आवर बोलते हैं, आवर या आवर हैंड, आवर हैंड, ठीक आवर हैंड, यानी कि सुई को हम लोग हैंड बोलते हैं,
और देखिए जो दीवार घड़ी होती है ना उसको हम लोग क्लाक बोलते हैं, क्लाक। और जो हम लोग हाथ में पहनते हैं उसे वॉच बोलते हैं। हाथ में पहनने वाला वॉच होता है, दीवार पर लगाने वाला क्लाक होता है। इनकी सुई को हम लोग हैंड बोलते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। देखिए सवा शब्द के लिए क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां पर दे दिया 6:15 यानी कि 6:00 आ गया। तो पहले तो उसको छोड़िए, पहले सिंपल इसको देखते हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट 6 है ना, इट्स क्वार्टर पास्ट 6, इट्स क्वार्टर पास्ट 6। ऐसे दे देता है 7:15 हो रहे हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 हो रहा है, इट्स क्वार्टर पास्ट 8, 9:15 हो रहा है, इट्स क्वार्टर पास्ट 9, 10:15 हो रहा है, इट्स क्वार्टर पास्ट 10, 11:11 हो रहा है, इट्स क्वार्टर पास्ट 11, 12:12 हो रहा है, इट्स क्वार्टर पास्ट 12। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। मेरा मतलब है आप लोग समझ लीजिए भैया, बाकी कम के लिए टू का प्रयोग करते हैं, बजकर अधिक के लिए पास्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इट्स लिखने के बाद मिनट पहले लिखते हैं, आवर लास्ट में लिखते हैं, उसके बीच में आपको पास्ट, क्वार्टर, हाफ का प्रयोग करना है। हाफ 30 मिनट के लिए, आधा के लिए, चौथाई हिस्सा यानी कि 15 मिनट के लिए क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए दिया है बाकी के लिए टू का प्रयोग करते हैं, फिर दिया है बाकी के लिए टू का प्रयोग करते हैं, दे दिया है बाकी के लिए टू का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया है फिर भी बता दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से। जब तक आप लोग बढ़िया से घड़ी देखना नहीं सीखेंगे, इंग्लिश में बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक मैं पढ़ाता ही रहूंगा। मान लीजिए एक ये वॉच है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये दे दिया, मान लीजिए दे दिया आपको 2:10 कम है, यहीं पर दे देगा ना, नहीं 10 मिनट नहीं कर दीजिए आप लोग, इसको थोड़ा ऐसा कीजिए 2:00 ज्यादा लग रहा है जी, 2:00 कभी ज्यादा लग रहा है कभी कम लग रहा है। चलिए मान लीजिए 2:15 बाकी है, दे दिया 2:15 बाकी है, बाकी है। अगर ऐसे देता है 2:15 बाकी है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा तो इट्स लिखना है, इसको रट जाइए। बाकी है कितना मिनट, 15, तो 15 को हम लोग 15 मिनट को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर्स, क्वार्टर। अब बाकी के लिए बोलते हैं टू, उसके बाद 2:02, यही 2:15 हो रहा है, 2:15 हो रहा है, दे दिया 2:15 हो रहा है, हो रहा है। आपको हमेशा लिखना है इट्स, आप 15 मिनट का अंग्रेजी रट जाइए, क्वार्टर होता है, क्वार्टर। उसके बाद मैंने बोला बजकर अधिक, बजकर शब्द आता है, अधिक शब्द आता है तो आपको पास्ट का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो बजे दिया है 2 लिख देना है। यही आप लोग बाकी और अधिक के लिए समझ गए कि अगर इधर आता है तो अधिक रहेगा, ज्यादा, बजकर, इधर दे देता है तो बाकी, कम, कम। देखिए अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे दे देता है आपको
मान लीजिए कि 4:30 हो रहा है, यानी कि 4:30 हो रहा है या 4:30 हो रहा है। अगर ऐसे देता है तो आपको कुछ नहीं करना, इट्स तो हमेशा लिख देना है, इट्स हमेशा लिखना है। उसके बाद अब ख्याल कीजिए कि बजकर बोला है, ये बजकर तो जो मिनट होता है ना, मिनट उसको हम लोग हाफ बोलते हैं, 30 मिनट को हाफ बोलते हैं, हाफ। अब बजकर दे दिया है, अधिक दे दिया है तो पास्ट, और उसके बाद फोर, यानी कि इट्स हाफ पास्ट फोर। अगर यही देता है कि 4:00 30 मिनट कम है तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो आप समझ लीजिए इट्स तो हमेशा आपको लिखना है, और 30 मिनट का इंग्लिश हाफ होता है, और कम है तो कम या बाकी के लिए टू होता है, कम या बाकी के लिए टू होता है 4:00। और जैसे देता है, आप इस बात को तो हमेशा जान ही चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं कि अगर बजकर शब्द आता है ज्यादा, यानी कि दे देता है 9:10 हो गया है, 9:10 हो गया है, यानी कि बजकर या ज्यादा अधिक को शो करता है, तो हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं, और जब कम या बाकी का प्रयोग करता है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। इतना तो आपको पता है। इट्स यानी कि इट इज हमेशा प्रयोग करना है, उसके बाद आपको बीच में या तो टू या तो पास्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद इधर जो अंत में होता है उसको आवर यानी घंटा जो भी रहेगा उसको प्रयोग करना है, और मिनट जो कुछ भी घंटा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दे रहा है कि 9:10 हो रहा है, 9:00 आ गया तो पास्ट का प्रयोग होगा, टू को हटाइए, ये बजकर यानी कि 9:00 तो टाइम जो आवर वाला रहेगा ना, आवर अंत में रहेगा, और मिनट जो होगा मिनट हमेशा पहले लिखा जाएगा, इट्स टेन पास्ट नाइन। ठीक, यानी कि कुछ भी मिनट में आपको कुछ भी देता है तो आपको मिनट पहले लिखना है, घंटा आवर अंत में लिख देना है। उसी तरह से अगर देता है आपको कि 9:10 कम है, 9:10 अगर दे देता है कि 9:10 कम है, तो मिनट आप यहां पर लिखिएगा, उसका टू लिखिएगा कम के लिए, नाइन, यहां पर 10 मिनट नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपको 60 तक या कुछ भी, मैंने अगर दे देता है 60 तक को छोड़ना है तो आवर में चेंज होता है ना, मिनट कुछ भी देता है आपको, मिनट अगर कुछ भी आपको देता है तो मिनट को पहले लिखना है और आवर को अंत में, 2:03, 3:04, 5:06, 7:00 आज कुछ भी बजकर अगर दे देता है आपको, कुछ भी, कितना भी बज जाए क्यों ना, आपको आवर वाला लिखना है ना, अंत जो घंटा वाला होगा अंत में लिखना है, और मिनट जो होगा उसको पहले लिखना है, कम होगा बाकी होगा तो टू लिखना है, ज्यादा होगा बजकर होगा तो पांच लिखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार के और बहुत सारे वीडियो बना सकूं। अगर आप गणित विज्ञान पढ़ते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में HP मैथमेटिक्स क्लासेज नाम से एक लिंक दिया गया है, उस पर जाइए और आप गणित विज्ञान पढ़िए। और मैं डेली 8 बजे रात को लाइव आता हूँ, आइए आप भी लाइव पढ़िए, और जो चाहते हैं उसे कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा।